हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट डे से हम 12th क्लास के सारे लेक्चर शुरू कर देंगे, तो आज पुराने लेक्चर में हमने मैथ से रिलेटेड टॉपिक बताए थे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में कितने नंबर के कौन से टॉपिक आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक आपका हम एलजेब्रा से। एलजेब्रा में आपके आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के टॉपिक में शुरुआत होगी पहले मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स क्या है? मैथ का टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के टॉपिक क्या है और मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स में पहले ये समझ आइए कि मैट्रिक्स को जो सिंबल है इसका, वो ये है दो बिग ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसके अंदर इसके एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब एलिमेंट जैसे भी लिखे हों आपके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। और इन एलिमेंट में आपका जो ये हॉरिजॉन्टल है, यानी जो एक्स एक्सिस है, वो हमारा रो कहलाता है। रो मैट्रिक्स यानी कि हिंदी में अवयव कहते हैं। और इसका जो आपका एक्स एक्सिस में हम रो लिख रहे हैं, इसको हम लोग हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति। हालांकि यूपी बोर्ड वाले भी इंग्लिश मीडियम समझे, हिंदी मीडियम के बच्चे जो भी हैं, क्योंकि रो कॉलम से ही नाम जाने, क्योंकि आगे की सारी पढ़ाई आपकी टोटल इंग्लिश मीडियम की है, चाहे जिस फील्ड में जाएंगे, इसलिए नाम जानते चलिए। हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। फिलहाल ये रो होता है, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ये तीन रो हो गए। यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये आपके हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस पे बनने वाले, वाई एक्सिस पे बनने वाले को हम लोग कॉलम, यानी कि हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं, स्तंभ। और ये आपका सी वन हो गया, ये पहला वर्टिकल, यानी वाई एक्सिस, सी टू एंड सी थ्री, ये तीन टाइप के हो गए। ये इनकी तीन कंडीशन हो गई, C1, C2 एंड C3। अब इन एलिमेंट के जो क्रम लिखे जाते हैं कि कितने कैसे लिखा जाए, तो कंडीशन होती है रो इनटू कॉलम, यानी रो को पहले गिनते हैं, x, y, x एक्सिस, y एक्सिस, तो x पहले आता है, x इंटू y, तो यानी रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम यानी कितनी रो थी हमारे पास? तीन रो थी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थ्री रो हो गई। कॉलम कितने हैं? तीन कॉलम है, थ्री इंटू थ्री, यानी टोटल एलिमेंट कितने होंगे इसके? नाइन। अब गिन के देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट इसके अंदर पाए गए। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में पूछा जाए कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो उनकी रो और कॉलम को हम मल्टीपल करके बता सकते हैं आसानी से कि कितने एलिमेंट इसके अंदर हैं। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा था आपका पहले मैट्रिक्स की शुरुआत का। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप की मैट्रिक्स पाई जाती है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप देखें, पहले टाइप की मैट्रिक्स जो कहलाती है वो होती है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है? साफ साफ नाम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव, हिंदी में पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? रो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें रो आपकी सिंगल हो, कॉलम भले जितने बने। रो आपका वन, जैसे यहां पे वन हो गया, यहां पे ए बी सी, तो वन इंटू थ्री, अगर ध्यान से देखो तो रो एक है, कॉलम 1, 2, 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीन कॉलम हो गए और रो आपकी एक हो गई। ऐसे ही एक और ले लें, ए बी खाली, तो क्या कहेंगे? सिंगल रो, एक रो, कॉलम कितने हैं? 1, 2, यानी एक एक्सेस पे पाए जाने वाले, खाली एक ही हो लाइन हो रो की, यहां पे वन नंबर चल रहा हो, तो हमारी रो मैट्रिक्स कहलाती है।
चाहे जितने भी एलिमेंट कॉलम में लिखे हो, यहां लिखे ए बी सी डी डे डे, कोई भी जितने भी लिखे हो यहां पे एन टाइम लिखे हो, तो वन इंटू एन, वन इंटू एन, ये सारे के सारे हमारे रो मैट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा नाम आता है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरे टाइप जो है वो कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है बच्चा, जैसे रो मैट्रिक्स वैसे कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ अवयव कहते हैं इसको। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, यानी रो आपकी चाहे जितनी हो कॉलम एक ही हो, ए बी सी। अब देखो पहली रो, यहां पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तीन रो हो गई, लेकिन कॉलम हमारे पास एक ही है, तो इसका होगा थ्री इंटू वन। कॉलम में सिंगल हो, कॉलम सिंगल हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। वन टू थ्री, यहां पर रो तीन हो गई, कॉलम एक है। एंड मान लिया यहां दिया जाए ए बी सी डी ई, रो गिन लिया गया फाइव, रो हो गई, कॉलम कितना एक ही, फाइव इंटू वन, ये सब हमारे कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। यानी सिंपल सा कंडीशन कि एक वाई एक्सिस पे पाए जाने वाले एलिमेंट, ठीक है ना। अच्छा चलिए भाई साहब आगे देखा जाए, ये रो हो गई कॉलम हो गई, टोटल आप होते तो इसमें जो है कहा जाए 12 टाइप्स के हैं, लेकिन आपके कोर्स में 10 टाइप्स के ही में मैट्रिक्स में सारे काम हो जाते हैं। थर्ड नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं जिनकी रो और कॉलम सेम हो, यानी टू इंटू टू का हो, थ्री इंटू थ्री का हो, अगर यहां पे दो रो हैं तो दो कॉलम है, तीन रो है, ये दोनों सेम हो, रो कॉलम आपके सेम एलिमेंट हो, सेम नंबर के हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बनते भी वही हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। कोई भी सेम होंगे, जितने रो उतने कॉलम, वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके यहां पे अगर ऐसे बन के मिल जा रहे ए बी सी डी ई एफ, तो कहोगे रो तो आपकी दो हो गई है, कॉलम आपके तीन है, वन टू थ्री, तो कहोगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स सेम होते हैं, जितनी रो उतने कॉलम, क्लियर समझ गए। चलिए ये थर्ड टाइप का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फोर्थ टाइप का आपका आता क्या, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया बच्चा तो आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से बनती है, जिसमें तुमने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर क्या होता है, कोई भी एक साइड बड़ी होगी दूसरी साइड छोटी होगी, लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस होते हैं, कुछ फर्क होता है, तो उसी को रेक्टेंगुलर शेप आता है। यानी अगर इसकी रो और कॉलम अलग अलग हो, रो इंटू कॉलम इसका एम इंटू एन हो, एम रो हो एन कॉलम हो, तो वो रेक्टेंगुलर कहलाता है। एम रो एन कॉलम, जैसे ए वन ए टू डैड डैश ए एम, ये हमारी ए एन रो इंटू कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपका रो कॉलम सेम ना हो, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी रो कॉलम के इक्वल में नहीं होगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पे रो है हमारे पास दो, कॉलम है हमारे पास तीन, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसे भी ए बी सी डी ई एफ, रो हो गई हमारी तीन, वन टू थ्री, कॉलम वन एंड टू, तो यहां पे थ्री इंटू टू, ये हमारी रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स मिले मिले आपको यहाँ पे, ए यहाँ पे थ्री टू जीरो वन जीरो फाइव, पूछा जाए कि ये कौन सी मैट्रिक्स है,
तो पहले तुरंत देखोगे और कहोगे कि ऐसा है कि दो रो हैं इसमें टू रो हैं और कॉलम इसमें तीन हैं, तो ये हमारी टू इंटू थ्री यानी ये हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, तो टू थ्री या सिक्स, सिक्स एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। आ रही ना बात समझ में, बहुत इजी टॉपिक चल रहा है अभी आपका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कितने टाइप की मैट्रिक्स हो गए पढ़ लिया आप लोगों ने, चार टाइप की तो पढ़ लिया। पांचवा टाइप क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में खाली एक रो में होगा, कॉलम चाहे जितने हो, रो खाली सिंगल रहेगी तो रो मैट्रिक्स होगी। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सिंगल कॉलम होगा, बाकी रो चाहे जितनी भी हो जाए वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, जितनी रो उतने कॉलम, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा चौथे नंबर पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी रो कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे, रो आपकी कभी ज्यादा हो सकती है, कॉलम कम हो सकता है, कभी कॉलम ज्यादा होगा रो कम हो सकती है। ये सारे टॉपिक आपके बन गए, ये चार टॉपिक हमने पढ़े। अब पांचवा नंबर का टॉपिक क्या है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में देखो सबसे पहले मैट्रिक्स को बनाइए डायगोनल यानी तिरछे में, ए जीरो जीरो, बी जीरो जीरो, सी जीरो जीरो जीरो, आपके डायगोनल बनाते हुए एलिमेंट मिले, बाकी सब जीरो हो, बाकी सब जीरो हो, यहां भी जीरो है, बाकी सारे जीरो हो, आपके डायगोनल सीरीज ए बी सी तिरछे बने हुए मिले, डायगोनल बनाते हुए मिले, एलिमेंट अलग अलग हो, ए बी सी अलग अलग हो, तभी हमारे ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये एलिमेंट अलग अलग हो, जैसे कि अगर मिल रहा है यहाँ पे वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री, हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। दिया गया है फाइव जीरो जीरो टू जीरो टू जीरो 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 वन, नंबर अलग हैं, ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तीन टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें आपस में जो है मैच करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें बनेंगे सब जीरो के साथ ही, ये तिरछे में डायगोनल बनेंगे लेकिन एलिमेंट अलग अलग होंगे, ये एलिमेंट आपस में मैच नहीं करेंगे, तो इनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में ये सारे नंबर हमारे जो होंगे सेम होंगे, वन को छोड़ के, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, फोर फोर फोर, फाइव फाइव फाइव, सेम नंबर होंगे तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या होता है, वो सिर्फ वन 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 के होते हैं। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में कोई जरूरी नहीं कि थ्री इंटू थ्री का प्रोडक्ट बने, डायगोनल मैट्रिक्स ये भी है। अगर मान ली ए जीरो जीरो बी लिखा है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सब डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अगर यहां पे ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी जीरो 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 डी, आपका फिर से देखे डायगोनल बनार मिल रहा है, ये सब के सब अलग अलग एलिमेंट के साथ हैं, ये सब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ओके। अब आते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। छठा नंबर है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अभी बता दिया हमने, स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें यहां ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए, वन को छोड़ के कोई भी यहां पे नंबर हो वो सब के सब हमारे नंबर के साथ, अगर सेम नंबर है, टू टू टू, सेवन सेवन सेवन, इलेवन इलेवन इलेवन, कोई भी सेम नंबर तीनों में पाए जाएंगे तो वह हमारे स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, ओके बेटा। अच्छा, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसी की तरह लगा हुआ अब आपका नाम है, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स के साथ भी कहानी यही है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो
या स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जितनी रो उतने कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का काम करते हैं। अच्छा अगला क्या है, सेवन नंबर, सेवन नंबर हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जाना जाता है, इसकी कहानी क्या है, इसमें 1001 इसको हम लोग आई से डोनेट करते हैं, आई से, आई 1001 तिरछे में वन मिलेंगे, डायगोनल में हमारे वन मिलेंगे लाइन से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अगर ये 2×2 का प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग I2 नाम से भी लिख सकते हैं, कि इसका यहां I2 लिख देने का मतलब है कि तुरंत समझ जाना कि ये दो रो दो कॉलम की कहानी बता रहा है। अगर I2 लिखा मिले तो ये टू रो टू कॉलम के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अच्छा इसका अगर हम इसका रिजल्ट, पूरा रिजल्ट निकालें, इसकी पूरी वैल्यू निकालें, तो मॉडल निकालेंगे तो देखेंगे वन आएगा, इसका सोल्यूशन वन आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी सोल्यूशन होगा वो आएगा वन आएगा। ठीक है, अगर यहां पे लिखा हो 1000001, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग अगर 3×3 का प्रोडक्ट है तो I3 नाम से लिख देते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो कि स्क्वायर में ही, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनते हैं, ये रेक्टेंगुलर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, चलिए नोट हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ नंबर, एट्थ नंबर आता है नल मैट्रिक्स, नल, नल मैट्रिक्स, यानी इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स नाम से भी जानते हैं, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट आपके सब जीरो 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 होते हैं, सारे एलिमेंट इसके जीरो 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 पाए जाएंगे, ये हमारे नल या स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से जाना जाएगा। ओके बेटा, चलिए नोट करिए इसको, नल या स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से जाना गया। अब ये आपका टॉपिक हो गया आठवां, पढ़ लिया बोने, अब नवा टॉपिक क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो नाम और होते हैं, एक अपर, नवा नंबर आपका अपर हो गया, दसवां नंबर आपका लोअर हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब कभी आपसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाए तो यानी ए बी सी डी ई एफ 0 0 0, नीचे तीन जीरो मिलेंगे अगर 3×3 का प्रोडक्ट है, ये ऊपर की ओर ट्रायंगुलर बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यानी एग्जांपल के तौर पे हमें मिल गया 1 2 3 0 5 7 0 0 3, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि ऊपर की ओर हमारे नंबर बनते हैं, नीचे हमारे ट्रायंगुलर में जीरो बनता है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लास्ट टॉपिक इस टाइप्स का, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टेंथ नंबर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हाँ ज्यादातर समझ के अंदर सर वही तो होगा, जीरो ऊपर आ गया होगा, हाँ बेटा वही हुआ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई 0 0 0 F, यानी आपका जो ट्रायंगुलर बन रहा है वो नीचे बन रहा है,
लोअर में बन रहा है, ये ट्रायंगुलर हमारा लोअर में बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 2 7 8 9 5 0 0 0, ये हमारे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के टाइप के बन गए, सारी कंडीशन हो गई। इन 10 कंडीशन के बाद मैट्रिक्स की कुछ कंडीशनें कि कैसे इनको जोड़ा जाता है, मैट्रिक्स की और क्या कंडीशनें होती हैं, शर्तें क्या हैं, उनके बारे में। बेटा देखो, कोई भी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है या ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और अगर हम इसमें किसी नंबर से किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे के ए लिखा, के लिखा ए बी सी डी, हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एलिमेंट होगा, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ये सारे एलिमेंट में होगा, ये नंबर सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बस यही एक अंतर है कि इनके सारे एलिमेंट से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। डिटरमिनेंट में कोई एक रो, कोई सिंगल रो किसी सिंगल कॉलम में ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से हो जाएगा। के को अगर हम कॉमन भी लेंगे तो सब में से लेंगे, अब इसमें से कॉमन भी लेंगे तो सब में से बाहर आएगा, ऐसा नहीं कि हम खाली पहली रो से बाहर ले लें, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया कि 3 6 9 12, तो हम चाहे इसको ऐसे भी सकते हैं, कहें भाई हम 3 कॉमन ले ले रहे हैं, तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 2 6 होता है, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये इसको लिखा जा सकता है। और अगर इसके हिसाब से देखो तो 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। ये हमारी कहानी होती है किसका, किसी नंबर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, डिवाइड भी करोगे तब भी कहानी यही है, सेम कंडीशन है, सब एलिमेंट में डिवाइड होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है, कोई दो मैट्रिक्स मान लिए ए और बी, मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है या घटाना है, तो उसके लिए पहले यह जरूरी है कि मैट्रिक्स के जो रो एंड कॉलम के एलिमेंट हैं, यानी यहां की रो और कॉलम m इंटू एन, मान लिया m रो है n कॉलम है, और यहां का भी m इंटू एन सेम होना चाहिए। अगर ये 2 इंटू 3 का है तो ये भी 2 इंटू 3 का होगा, तभी ये ऐड हो पाएगा, सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक अलग है तो ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की शर्तें दूसरी हैं, उसमें आगे चेक किया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होने की कहानी यह है कि जितने एलिमेंट इधर उतने ही एलिमेंट इधर, यानी कि जितनी रो इधर होगी उतने रो इधर होनी चाहिए, जितने कॉलम इधर उतने कॉलम इधर होनी चाहिए, तभी ये आपस में ऐड हो पाएंगे, तभी आपस में सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे, ओके। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने यहां पर एलिमेंट रख दिया 3 2 7 1 0 2, यानी यहां पे क्या दिख रहा है हमें, दो रो दिख रही है, 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम, इधर भी वह नहीं रखेंगे। अगर हमने यहां पे रख दिया 1 0 7 2 9 1 3 2 1, यहां पे हमने क्या रख दिया, 3 रो 3 कॉलम हो गया, 3 रो 3 कॉलम। अब तुम देखो, अगर चेक करो तो कहोगे सर ये तो मैच नहीं कर रहा है, यहां पे तो 2 रो 3 कॉलम है, यहां पे 3 रो 3 कॉलम है, ये 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट है और यहां पे 3 इंटू 3 का है, तो क्या इसके मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई पॉसिबल है, सॉरी, तो क्या इसका एड और सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है, तो ना तो एड पॉसिबल है ना तो सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है।
क्योंकि हम जोड़े भी तो कैसे जोड़े, थ्री का जोड़ेंगे वन से, सेम में जोड़ा जाता है, थ्री वन में जुड़ेगा, टू जीरो में जुड़ेगा, सेवन सेवन में जुड़ेगा, वन आके इसमें जुड़ जाएगा, जीरो आके यहां जुड़ जाएगा, टू आके इसमें जुड़ जाएगा, ये दोनों तो मान लो इसके साथ जुड़ गए, इसका क्या करें? ठीक है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, ना ये ऐड होगा ना ये सब्ट्रैक्ट होगा, सेम एलिमेंट होंगे तब हो जाएगा। अब जैसे कि हमने इसको हटा दें, कहें अब ऐड हो जाएगा, तो यस हो गया, कैसे हुआ, थ्री वन टू जीरो सेवन टू प्लस वन जीरो सेवन टू नाइन वन, अब ये टू इंटू थ्री का सेम हो गया था, दोनों सेम मैच कर रहे थे, तो हमने कहा भाई देखिए सबसे आगे का थ्री, पहली रो का पहला कॉलम थ्री, पहली रो का पहला कॉलम, ये आपस में मैच हुआ, थ्री प्लस वन, थ्री वन में ऐड हुआ, टू प्लस जीरो, टू आके जीरो में ऐड हुआ, सेवन प्लस सेवन, वन प्लस टू, जीरो प्लस नाइन, टू प्लस वन, ऐड करके देखो, थ्री प्लस वन, टू प्लस जीरो, सेवन प्लस सेवन, वन प्लस टू, जीरो प्लस नाइन, टू प्लस वन, जो जहां वाला है उसी में ऐड किया गया, यानी फोर टू फोर्टीन थ्री नाइन थ्री, ये हमारे ऐड हो गया। इसी टाइप से इसका सब्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है, ये सिंपल सा फंडा था इसका। चलिए नोट कर लिए, तो क्या पता चला आपको कि कैसे इसको जोड़ा जाता है और कैसे इसको घटाया जाता है। तो जैसे कोई कहे कि दो मैट्रिक्स हम तुमको दे रहे हैं, दो मैट्रिक्स को इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आओ, तो पहले उन मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, क्या इनके रो कॉलम आपस में इक्वल हैं? अगर रो कॉलम इक्वल है तभी वो आपस में मैच जुड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है, रो कॉलम में कोई चेंजेस है, ना तो वो ऐड होगा ना तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। चलिए आगे क्या है, और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कंस्ट्रक्ट वाले क्वेश्चन, जैसे कि हमें दिया जाए ए आई जे इज़ टू टू आई प्लस जे, टू आई प्लस जे, यह हमें दिया गया और कहा गया फाइंड फाइंड मैट्रिक्स, हमें फाइंड करनी है थ्री इंटू टू या टू इंटू टू या थ्री इंटू टू, जो भी कहा जाए, फोर इंटू थ्री, जिसके हिसाब से दिया जाए, जिसके हिसाब से निकालना रहेगा, हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी रहेगी। तो सबसे पहले ये जान लो कि IJ है क्या, IJ ये एलिमेंट के लिए यहां पे ए स्मॉल ए लिखा हुआ है, IJ I जो पाया जाता है वो x एक्सिस में पाया जाता है जो कि रो के लिए काम करेगा, J जो पाया जाता है वो y एक्सिस में पाया जाता है जो कि कॉलम के लिए काम करता है, यानी I के लिए जो रो की कंडीशन में लिखी जाएगा नंबर वो I के लिए होगा, कॉलम के लिए जो लिखा जाएगा वो J के लिए। अब यहां पे तुम्हें थ्री इंटू टू का कहा गया, यानी तीन रो दो कॉलम के मैट्रिक्स फाइंड करनी है, मैट्रिक्स निकालनी है थ्री रो टू कॉलम की, तीन रो और दो कॉलम की। तो पहले कहोगे कि पहला ए वन वन, पहली रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट निकालने की कंडीशन होती है, वन 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 टू, लास्ट में जो नंबर मिला वहीं तक जाओगे, कॉलम दो तक मिला तो दो तक लिखा, अभी रो हमारी तीन तक जाएगी, तो ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू, देखिए पूरा सिक्स एलिमेंट है, सिक्स एलिमेंट इसके अंदर आ गए। अब जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसमें इन नंबरों को पुट करते हैं, वन की वन वन लिखा हुआ है तो आई के यहां पर वन, जे के यहां पर वन, जो नंबर आएगा वो यहां पुट हो जाएगा, फिर वन टू तो आई यहां पे वन, जे की यहां पे टू, ए वन टू वन तो आई यहां पे टू, जे की यहां पे वन, इन नंबर को पुट करके निकाल लेते हैं। जैसे ए आई जे हमने लिखा, यहां पे क्या लिखा था, टू आई प्लस जे था, तो पहला नंबर लिखा हुआ ए वन वन, तो लिखेंगे टू वन प्लस वन आ गया थ्री, ए वन टू वन टू, दूसरा वाला निकालना है तो टू वन टू फोर,
a21 2 1 5, a22 2 2 6, a31 2 into 3 plus 1 यानी 7, 32 2 into 3 plus 2 यानी कि 8। ठीक, अब इस मैट्रिक्स को जो फाइंड करने को कहा था उसको हम लोगों ने रख दिया गया। क्या क्या मैट्रिक्स दी गई थी हमारे पास? A11 जहां लिखा 11 वहां पे लिखा 3, A12 ये हो गया 4, A21 5 6 7 8, ये इसका आंसर आ गया। इस टाइप से आई जे के रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, आपको बताया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके चाहे एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी बुक आपने ले रखी हो रेफरेंस बुक में, जो भी बुक हो उसमें आपकी पहली एक्सरसाइज इसी पे, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टॉपिक डालेंगे कि कैसे कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाती है, या कोई इक्वेशन में दे देता है और कहता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए तो कैसे निकलता है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट किया जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन मेथड बताएंगे, फिर इनवर्स निकालना बता देंगे, एडजॉइंट ए निकालना दिखा देंगे, सब बारी बारी इसको सीख लीजिए। बहुत मजबूत टॉपिक चल रहा है, इजी टॉपिक चल रहा है, शुरुआत से लगाते चलिए, आसानी से आता जाएगा। ओके, थैंक यू।